क्योंकि इनकी मंशा ये थी कि ये सीरिया से असद को हटा दे रहे। असद तो अभी तक नहीं हटे, हाँ सीरिया को इन्होंने बर्बाद कर दिया। इन्होंने किसी हद तक रूस की इकोनॉमी को ठेस पहुंचाया, इन्होंने बहुत ज्यादा दुनिया की इकोनॉमी को बिठा दिया, यूरोप को तो पट्टा बिठ गया। और यही सूरत ये चाह रहे हैं कि ईरान, उसमें इसराइल भी मुलव्वस है कि भाई ईरान को अगर कमजोर करने की कोई तरतीब है उसमें वो आगे आगे आ जाएगा। तो उनको ये बहाना मिल गया है उनकी एजेंसी को एंटर करके इसको डायरेक्शन दे कि ये एक माना जाना माना उसूल है CIA का। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और दुनिया के कई अहम खबरों के बारे में सईद नकवी साहब से बात करनी है। नकवी साहब हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इतने तजर्बात, इतने दुनिया भर को देखने वाला शख्स हमें वक्त दे देता है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दुनिया को जिस नजदीकी से आपने देखा है और जितना याददाश्त आपकी है, किसी एक मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर का आप नाम ले, उसके 10-20 साल पुरानी बात भी उनको याद आ जाती है, ये बहुत ही बहुत बड़ी बात है। आज जिन इश्यूज पर हम बात करेंगे वो ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं महसा अमीनी के इंतकाल के बाद, जिस पर वहां की सरकार भी अफसोस जाहिर कर रही है और एक वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी आ गई है कल शाम, जिसमें बताया गया है कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री कुछ ऐसी थी जो काफी दिन से वो दवाइयां भी ले रही थी वगैरह वगैरह, लेकिन उस पर किसी को इख्तलाफ हो सकता है। हम उसमें कोई ये नहीं कह रहे कि उनकी रिपोर्ट कितनी सच है कितनी झूठ है, सरकारें हैं, सरकारें कैसे काम करती हैं वो उनका अपना तरीका, हम उस पर बहस नहीं कर रहे। लेकिन उसके बाद जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वो प्रोटेस्ट बार बार कम हो जाते हैं फिर तेज हो जाते हैं, अमरीका, ब्रिटेन, इसराइल, इन पर ईरान के लीडरशिप ने इल्जाम लगाया है कि वो प्लान किए हुए थे, वो सपोर्ट कर रहे थे, अगर ये भी मौका ना होता तो कोई और मौका निकाल करके वो ऐसा कर सकते थे। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या मुमकिन है इस आज की टेक्नोलॉजी में, क्या क्या हो सकता है, इससे पहले भी क्या कुछ ऐसे वाकयात दुनिया में हुए हैं, ये हम सईद नकवी साहब से बात करेंगे। इसके अलावा दुनिया के जो बदलते हालात हैं, खास तौर पर यूक्रेन जंग और उसके बाद में अमेरिका का क्या रवैया है दुनिया के मामलात पर, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा अमेरिका के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के उम्मीदवार रह चुके हैं, बर्नी सैंडर्स, उन्होंने सऊदी अरब के बारे में एक अहम बयान दिया है। उनका कहना है कि अमेरिकी फौजों को वहां से वापस बुला लेना चाहिए। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। आप ये बताइए कि ईरान के प्रोटेस्ट्स को आप कैसे देख रहे हैं। 16 तारीख को पिछले महीने उसका इंतकाल हुआ था लेडी का, और उसके बाद जिस तरह से प्रोटेस्ट हुए हैं, इस सब को आप कैसे देख रहे हैं, इल्जाम भी आ रहे हैं, वाकयात भी सामने हैं हमारे, क्या कुछ है आपकी नजर। ये महसा अमीनी, ये कुर्दिश खातून थी, 22 साल की उम्र थी, बिल्कुल जवान, और इनको एलिगेशन ये है कि जिसको कि पासदार की जो मोरालिटी फोर्स है पुलिस, उसने कहा कि ये हिजाब शायद सही नहीं ओढ़े हुए हैं, बाल दुबाया हो रहे हैं, तो उसके बाद उनको पकड़ लिया गया और उसी में वो मर गई। अब ये कि पासदार ले जाके मार देंगे, इसमें ये एक आग लग गई और जनाब बहुत से लोग बाहर निकल आए। अब कितनी आग लगी और कितनी लगाई गई ये हम और आप नहीं पहचान सकते, जान सकते। ये इस किस्म के वाकयात वहां और पहले भी हो चुके हैं। देखिए, ये बड़ा वेस्टवर्ड लुकिंग मुल्क था, ये याद रखिए
कि 1979 तक नॉर्थ तेहरान के फैशंस जो थे वो मेट्रोपॉलिटन पेरिस उनको इमिटेट करता था ये, और उसके असरात जाहिर है कि नॉर्थ तेहरान की तरह सारा मुल्क तो नहीं था लेकिन उसके असरात थे। तो लिहाजा औरतों की आजादी का एक पहलू रहा है। खुद वहां के पुराने कदीमी शोरा को अगर आप देखिए और उनके, तो ये एक आजादी और औरत ये एक वहां पे कंटिन्यूअस थीम रहा। जब ये 1979 में रेवोल्यूशन आया तो रेवोल्यूशन की एक छवि एक तस्वीर बननी थी। देखिए ये याद रखिए कि दुनिया में ये पहला मुल्क है जहां के उलेमा हुकूमत कर रहे हैं, यानी इसके अलावा सिर्फ एक वैटिकन जहां के पोप की हुकूमत है, उसके अलावा कहीं नहीं। ये खुद बताते खुद एक नई चीज है। इसमें खुद शिया उलेमा के बीच में तफरीके हैं, ख्यालात हैं अलग। ये है कि एक थिंकिंग ये थी कि इस्लामिक रेवोल्यूशन 12वें इमाम के जहूर के पहले कैसे आ सकता है, ये बुनियादी चीज ये शियों में ये खास बात है। लिहाजा लेकिन रेवोल्यूशन आ गया था और उसके इन्हीं लोग बागडोर इन्हीं के हाथ में थी, तो ये इसको सरकमवेंट करने के लिए एक वली फकीह यानी इंटरमीडिएट इमाम जो कि तब तक रूल करेगा जब तक के उनका जहूर नहीं होता, तो एक ट्रांजिएंट टेम्पररीनेस उसके नमूद में ही थी, यानी उसके इब्तिदा में ही थी। ये एक इनसिक्योरिटी की अलामत हो सकती है और खासकर जबकि कुम के अंदर भी उलेमा और नजब के उलेमा ये भी कह रहे हैं, एक तो इस्लामी को दूसरे ही कह रहे हैं कि भाई हमारा काम है हाकिम को एडवाइज कर देना अगर वो हमसे पूछे उन एरियाज में जो कि हम जिनमें कि हमारी मुस्तैदी है, लेकिन ये कि आप खुद हाकिम भी रहे। मसलन ये कि सिस्तानी आयतुल्ला अली सिस्तानी जो कि नजफ में है वो उनका रवैया, लेकिन कोई इनके खिलाफ नहीं, ये नहीं है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन के खिलाफ है, ये एक इंटेलेक्चुअल इख्तलाफ राय है। हाल में आप देखा होगा कि जो सिस्तानी के नंबर दो हैं उन्होंने अपने मर्जे में ये कह दिया कि आप लोग सब तेहरान को अपना लीडर माने। तो ये चीजें जो हैं ये खलबली मचाती हैं उसमें उस माशरे में जिसपे कि अमरीका और वेस्ट हाकिम है, ये उनके उनको ये खुश नहीं करती। अच्छा, दूसरी सूरत हाल ये है कि ये क्यों हो रहा है वो मैं आपको पहले बता दूं। 24 फरवरी को जब पुतिन ने स्पेशल ऑपरेशन शुरू किए यहां पे जो कि उससे करवाए गए, मेरा तो ये यकीन है कि ये जंग जो ये कह रहे हैं कि अनप्रोवोक्ड अटैक है, नहीं है। सब जो पढ़े लिखे लोग हैं वहां अमेरिका में वो सब ये कह रहे हैं कि आप एक दरवाजे पे जाके भा 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 आवाज करें तो जो बाहर निकलेगा तो बंदूक लेके तो आएगा, भाई ये कौन है क्या कर रहा है। तो ये हो रहा था 2014 में कोई 14,000 वो रूसी जो कि देखिए यूक्रेन में रूसी बहुत से हैं और रूसी स्पीकिंग लोग और ज्यादा हैं,
उनका कत्ल किया गया था। तो ये सब चीजें थी जो कि वेस्टर्न मीडिया ने हमको नहीं बताया, और हम यूक्रेन के बारे में उसके अलावा और क्या जानते, समझा? तो अब हालत की तो जंग हुई। अब ये हुआ कि ये जंग असल में दरअसल इसलिए है कि अब ग्लोबल ऑर्डर अमेरिकन हेजेमनी में होगा, कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है। ये नकवी साहब, यूक्रेन मैं बता रहा हूँ, वहां पे आ रहा हूँ, उस पर हम बाद में आ रहा हूँ। मैं वहां पे, मैं अगर आप मुझे माफ करें, मैं यहां से शुरू करके वहां जाता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, उससे ये पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाएगा। जी जी जी, बेहतर। अभी हाल में जंग कितने का महीने हो गए, सात महीने तक। अभी एंटनी ब्लिंकन का एक स्टेटमेंट मैं पढ़ के आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको सुनाता हूँ। The capabilities we are delivering are carefully calibrated. जो हम उनको हथियार दे रहे हैं वो समझ बूझ के दे रहे हैं, to make the most difference on the battlefield. Battlefield पे difference हो and strengthen Ukraine's hand at the negotiating table. Strengthens Ukraine's hand at the negotiating table when the time is right. जब ये वक्त आए, यानी अब बात हो रही है negotiation की। अब जंग जो है वो गोया, ये जो आप कह रहे थे ऑस्टिन लॉयड डिफेंस सेक्रेटरी, वी वॉन्ट टू वीकन रशिया, वी वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय रशिया, वो नहीं हुआ। अब आप इस बात पे आ गए हैं कि हम, अच्छा, उन्होंने चार जो उनके एरियाज थे उन पे न सिर्फ कब्जा कर लिया है बल्कि उनको इंटेग्रेट कर दिया है। उनकी पार्लियामेंट ने इस बात पे की तस्दीक कर दी है, उस पे ठप्पा लगा दिया। यानी अब जो ही रूस की जो बॉर्डर्स थे वो और आगे आ गए हैं, ये सूरत हाल है। लिहाजा नवंबर के इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ कहीं होना चाहिए ताकि उस पे दुनिया का फोकस हो और यहां से हटे, क्योंकि यहां इन तिलों में अब तेल नहीं रहा। आप देखिए अमेरिकी फोकस, अमेरिकन मीडिया कहीं नहीं है इस वक्त। अब है ईरान में, अब आप आ जाइए ईरान। ईरान में सचमुच मसला है, यानी लोग वहां के लोग बहुत आजाद हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और ये कि मुस्तकिल, लेकिन एक उलमा और जो आम वहां की सिटीजनरी है उसके बीच में जो मैंने देखा और आपने भी देखा है, वहां मैंने ये देखा कि गोया मोडस विवेंडी, एक अनस्टेटेड अग्रीमेंट है कि भाई हुकूमत हमारी है, कुछ ये चीजें हैं जो कि नुमाया सी जो दिखाई दें, वरना आप रहिए हमारी छत छाया में, हमारे नीचे आप लोग अपना आजादी से काम कर रहे हैं। हिजाब, अब हिजाब जो है ये वो नहीं है जो कि अल अरकान ने शुरू कर दिया था मलेशिया में। मैंने साहब सेंट्रल एशिया में देखा वो हिजाब है साहब भयानक, ये ऊपर से नीचे तक नाखून नहीं दिख सकते, ये आंखें जो है सब बंद, इसके ऊपर एक जाली और यहां से नीचे तक जाली, तो यहाँ पे काबुल में भी है लेकिन वहां काला ऊपर से नीचे तक और कुछ नहीं। आप लोग पहुंच गए 1991 में तबलीग करने, क्योंकि सोवियत यूनियन गया था, उन्होंने कहा चटपट, ये लोग, इनका सोल जो है वो अवेलेबल है, इसलिए चल के ले लो। जब ये हिमाकत बढ़ी महातीर मोहम्मद ने, इरान ये इस्लाम की शक्ल लेके वहां जा रहे हैं, अपने आप को मलेशियंस कहते हैं, उसने उस ग्रुप को बैन कर दिया। ये लोगों और वेस्टर्न मीडिया में कहीं ये बात नहीं आई, उसने बैन कर दिया कि ये अन इस्लामिक,
तो जो यहाँ पे है भाई, हमारे घरों में जब अजान होती है तो औरतें जो है एक दुपट्टा सर पे रखती है, और बुजुर्ग आते हैं एक दुपट्टा डाल लेते। इसको जरा उन्होंने फॉर्मलाइज कर दिया है कि वो जरा सा टाइट यहाँ पे। बल्कि मुझे तो, अगर आप बुरा ना माने काजमी साहब, बड़े खूबसूरत फ्रेम मालूम होते हैं जो बिल्कुल गुलरू चेहरे साहब, बहुत अच्छे। ये हमारा एक हिंदुस्तानी डिप्लोमेट था बंगाली, जो पोस्टेड था शिराज में, कहता था सईद भाई यहाँ एकदम से गाड़ी चलाते चलाते मैं टकराने लगता हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसी ऐसी शक्लें दी है इसी प्रेम के। जी जी, ये हाफिज का मुल्क है भाई। ये उमर खय्याम का मुल्क है। तो लेकिन वही है कि आजादी की भी एक तलाश है कि आप क्यों एक यूनिवर्सल है। अब एक कल किसी ने मुझे एक वीडियो भेज दिया कि वो बरहना खड़ी हुई एक आजादी, ये है आजादी। तो जाहिर है, तो हम जो भी आजादी के लिए खड़े होंगे वो भी अपना हिजाब से अपना मुंह छुपा लेंगे। तो ये अब ये जब ये चल रहा है तो जनाब औरतों ने प्रोटेस्ट में अपने बाल काटना शुरू, वो वबा फैली। पेरिस में फिल्म फेस्टिवल हो रहा था, वहां ऑस्कर विनिंग खवातीन ने बाकायदा कैमरे बहुत ही वेल कोरियोग्राफ यू बाल खींचे और काट दिए। फिर यही यूरोपियन पार्लियामेंट स्ट्रासबर्ग में, उनकी एक पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने भी अपने यूं खींचा और यूं पार्लियामेंट के अंदर सेशन में, अभी किसी और ने कर दिया। इसकी इब्तिदा मैं बता दूं क्या है, ईरान का फिल्म और सिनेमा वर्ल्ड जो वहां की है बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही पावरफुल इन्फ्लुएंशियल, हालांकि उनके ऊपर थोड़े से उनके ऊपर कर्व्स हैं, वो नहीं रहे जो थे, लेकिन उनके असरात दुनिया में बहुत ही फिल्म फेस्टिवल्स में बहुत आगे। ये असर गया फिल्म सर्कल्स में, फिल्म सर्कल्स से और फैला। अब इसका एंगल देख लीजिए, यानी अगर आपने बड़े बाल को छोटे कर लिए तो फैशन हो गया, तो आपने किया क्या? यानी ये तो, यानी आपने अपने यहाँ की एस्थेटिक्स को डिनोटिफाई किया। हिंदुस्तान और पर्शिया दोनों के दोनों ममालिक में लंबे बाल सेलिब्रेट किए जाते हैं। विष्णुकांत शास्त्री साहब आरएसएस के थे, बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, वाइस चांसलर थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, बड़े मजेदार आदमी थे साहब। मालूम नहीं होता था कि वो इस तंजीम से मिले हुए। नकवी साहब से मिले, कहने लगे अरे नकवी साहब मैं तो अभी कलकत्ते से आ रहा हूं। उनका क्या कल, अरे भाई क्या बताऊं, बात बंगाली की सुन, बंगालनों के बाल देख। अच्छा, मैं उस पे ईरान में जो प्रोटेस्ट होने के दौरान ईरानी लीडरशिप की तरफ से जो इल्जाम लगे हैं कि वेस्टर्न मुल्क इसको बढ़ा रहे हैं और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं अपने यहाँ, उन्होंने मसलन ये भी मिसाल दी कि कनाडा में बच्चों की कितनी कब्रें मिली हैं वो कभी किसी को याद नहीं रहता, इसराइल में क्या कुछ होता है, फिलिस्तीनियों पे क्या कुछ होता है, वो सब हट करके वो कौन से तरीके हैं जिससे इन प्रोटेस्ट को बढ़ाने के इम्कान है या बढ़ा सकते हैं गैर मुल्कों में लोग बैठे हुए? जरा सा पीछे जाता हूं, यहां बिल्कुल वही किया जाएगा। अब ये मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ये अभी खत्म होने वाले नहीं है। इनमें वेस्टर्न ममालिक खासकर वेस्टर्न एजेंसीज इनमें मुलव्विस हैं और वो कह रहे हैं कि मुलव्विस हैं। कैसे? क्रिया में जब मैं वहां था, मैं 2011 की बात जारी इब्तदा थी जब, उन दिनों में ओबामा साहब ने ये हुक्म दिया था एल स्ट्रीट वॉशिंगटन, यानी मैं एड्रेस बता रहा हूं, एल स्ट्रीट वॉशिंगटन में एक
एक खोखा कमरा था जहां पे कुछ लड़के बैठे हुए कुछ एक वो आजादी इंस्ट्रूमेंट जो कि फ्रीडम इंस्ट्रूमेंट तैयार कर रहे थे। क्या था भाई वो? ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबर छपी और मैंने रख ली काट के तराश के। क्या था? इसको कहते थे इन फ्रीडम टेक्नोलॉजी। ये दुनिया दुनिया में भेजी जाएगी। क्या मतलब हुआ इसका? क्योंकि जहां पे भी मुल्क में इंटरनेट वगैरह बंद कर दिए जाए वहां ये पहुंचा दी जाएगी। इंटरनेट वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट तस्वीरें भेजेगी आप सैटेलाइट से, इसका ताल्लुक डायरेक्ट। ये कई दफे किया गया सीरिया में और हमने देखा वो लोग जानते थे। अब उस टेक्नोलॉजी को और एडवांस कर दिया इन्होंने, यानी तकरीबन ये कलर रेवोल्यूशन का ख्वाब देख रहे हैं कि शायद ये वहां इसको इतना फैला दे। आप अभी इकोनॉमिस्ट का एडिटोरियल पढ़िए, वो कह रहा है साहब ये तो एक्सिलरेटिंग। अब एक्सिलरेशन का मतलब ये है कि इतना थ्रिलिंग है हो रहा है, इसमें मर्द भी बस शामिल हो जाएं तो हो सकता है कि सरकार पलट जाए। ये इकोनॉमिस्ट का एडिटोरियल कह रहा है, यानी आपकी मंशा जो है वो एडिटोरियल आप इकोनॉमिस्ट का पढ़ लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्लानिंग क्या हुई है। ये तो अब ये जनाब वहां पहुंचा दी गई है। अब झगड़ा क्या है? डॉग फाइट ये है कि वहां के पासदार इतनी मशीनों को पकड़ेंगे और कितनी खामोशी से इधर उधर चली जाएंगी। और ये उनका काम क्या है? मैसेज भाई, अभी तो ये सोशल मीडिया बंद है, तब इंटरनेट बंद है, अब ये उसको एक्टिवेट करेंगे इससे। तो अगर ये चल गया तो समझ लीजिए ये टेक्नोलॉजी चल रही है, क्योंकि इनकी मंशा ये थी कि ये सीरिया से असद को हटा दे रहे। असद तो अभी तक नहीं हटे, हाँ सीरिया को इन्होंने बर्बाद कर दिया। इन्होंने किसी हद तक रूस की इकोनॉमी को ठेस पहुंचाया, इन्होंने बहुत ज्यादा दुनिया की इकोनॉमीज को बिठा दिया, यूरोप को तो पट्टा बिठ गया। और यही सूरत ये चाह रहे हैं कि ईरान, इसमें इसराइल भी मुलव्वस है कि भाई ईरान को अगर कमजोर करने की कोई तंजीम है उसमें वो आगे आगे आ जाएगा। तो उनको ये बहाना मिल गया है उनकी एजेंसी को कि एंटर करके इसको डायरेक्शन दे कि ये एक माना जाना माना उसूल है CIA का कि चार पांच तरीके हैं, या तो ये कि ऑपोजिशन को खूब खिलाओ पिलाओ, ऑपोजिशन को खरीद लो, फिर कू करवाओ अगर हो सके तो, समझे, वो ना हो तो फिर वहां की एक, एक, उसने एक जमाने में इसने निक्सन ने कहा था आई वॉन्ट द चिलियन इकोनॉमी टू स्क्रीम, कोट है ये। और यही किया गया जिसमें कि साल्वाडोर आयंदे को खत्म कर दिया गया और पिनोशे की डिक्टेटरशिप आ गई, ये अमेरिका ने किया था उस जमाने में, किसिंजर उसमें मुलव्वस थे पूरे डायरेक्टली। तो ये कोशिश ये है कि अब चौथी तरीका है, तरीकाकार मैंने तीन बता दिया आपको, एक ये है कि वहां पे किसी तरीके से एक स्ट्रीट हंगामों में वो बहाओ, वो जगह बढ़ जाए, उसमें तमाम तरीके हैं जो कि इस्तेमाल होंगे। लेकिन एक बात और मिल जाएगी, ये मान के चलिए कि लोगों में नाराजगी है, लोग अपनी आजादियों को सरेंडर नहीं करना चाहते। ईरानी इस मामले में और ईरानी खवातीन इस मामले में बहुत क्लियर है कि भाई हम बिल्कुल, आप कौन है कि हम क्या पहने। और बड़ी आयरनी, एक बड़ी आयरनिक बात है काजमी साहब, कि 6 महीने पहले एक हंगामा खड़ा था दक्षिण कनाडा
और उडुपी कर्नाटका में वहां ये था कि औरतें स्टूडेंट्स तालिब ये एजिटेशन कर रहे थे कि हम अपना हिजाब पहनेंगे, आपकी आप कौन है कि आप हमसे कहें कि इनको उतार दो स्कूल जाने के लिए, हम पहनेंगे। क्योंकि वहां झगड़ा था आजादी हिजाब पहनने की, यहां झगड़ा है आजादी हिजाब उतारने की। हाँ, या इंसान के मिजाज में है, इनका इंसान के मिजाज में है कि वो किसी के हुक्म पर नहीं चलना चाहते। अच्छा अच्छा, ये जो दुनिया के बदलते हालात में अमेरिका की, हालांकि कुछ चीजें आपने इशारे में बताई हैं, अमेरिका क्या कुछ कर रहा है, अब किस तरह से वो अपनी हेजमनी बाकी रखने की कोशिशें कर रहा है, क्या कुछ है, बदलता हुआ रुख क्या है? देखिए, एक रिपोर्ट आई है जो कि फेक न्यूज हो सकती है, और अगर फेक न्यूज है तो उसको बहुत आगे बढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन ये इतनी अहम फेक न्यूज है कि जरा हम आप इसको सुन ले क्या कह रहे, ताकि अगर ये कहीं तैयार रहे कि भाई ये सही भी हो सकता है, हम नहीं कह रहे कि ये सही है। क्या है, रैंड कॉरपोरेशन की एक रिपोर्ट जो कि उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस है वहां के सरकार से अमेरिका की, रैंड बहुत ही यानी नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में वहां का एक थिंक टैंक है जो कि बहुत ही ज्यादा आगे आगे रास्ते पे, रैंड की रिपोर्ट ये कह रही है कि ये तंजीम थी, ये प्लान था कि वेस्टर्न यूरोप की इकोनॉमी को बिल्कुल शटर कर दिया जाए, उसमें उसमें अमेरिका की हेजमनी यूरोप पे रहे और यूरोप इधर उधर जो भटक रहा है, मसलन रूस, इधर उधर ना भटके। अच्छा, ये इतनी फार फेच्ड खबर लगती है, इतनी दूर की लगती है कि झूठी मालूम होगी, लेकिन सोर्सेस भैया हम क्या करें, हमारे पास ये आई है और हम इसकी तस्दीक में लगे हुए हैं, और जब क्लियर हो जाएगा तो इंशाल्लाह आप ही के चैनल पे इसको, मतलब अभी इसको मानिए मत, ये झूठ है, लेकिन ये वो झूठ है जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जमाने में अब तक, इस हुकूमत तक, इससे पहले तक भी यूरोप को अमेरिका का सबसे नजदीकी एलाई समझा जाता था, और यूके को तो तकरीबन 51वां सूबा कह देते थे कुछ लोग। तो सुनिए, और क्या हुआ है यहाँ पे मिडिल ईस्ट में, भाई सऊदी अरेबिया, यही तो डील थी कि तुम हमारा तेल लो, हम तुम्हारे तमाम हथियार लेंगे, हमें हमारी बादशाहत की बक्का जो है वो तुम्हारे हाथ में, ये डील थी, और कुछ नहीं था कि भाई हमारी बादशाहत जो कि पॉपुलर बादशाहत नहीं है उसकी बका तुम्हारे हाथ में है और हमसे जो तेल तुम लेते जाओ, ये डील हुई थी इन लोगों की। बल्कि उसी पर मैं आने वाला था, वो बर्नी सैंडर्स काफी अहम, क्योंकि आपने अब से पहले भी उनके उनके बारे में बहुत कुछ बताया हमारे प्रोग्राम में, और ये भी बताया है कि वो चूंकि जरा लेफ्टिस्ट मिजाज के हैं इसलिए वहां की एस्टेब्लिशमेंट ने उनको कबूल नहीं किया और वो प्रेसिडेंट नहीं बन सके। उन्होंने जो एक बात कही है सऊदी अरब के बारे में कि वहां से फौजें वापस बुला लो, वो क्या कुछ है, उसे आप कैसे देख? वो ये था कि अभी अमरीका के हुक्म के को न मानते हुए सऊदी अरेबिया ने ऑयल प्रोडक्शन कम कर दिया, ऑयल प्रोडक्शन कम कर दिया तो कीमतें और बढ़ गई, उछल गई, अमेरिका अलतश अलमा नाराज, ये क्या कर रहा है, वो तो नहीं बोले, लेकिन उनका बायां बाजू बर्नी सैंडर, जिसको अगर नॉमिनेट हो जाता तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप ना होते, वो होता,
लेकिन उसने यह आवाज लगाई है कि भाई यही बात उसने कही है कि भाई इनकी तो सिक्योरिटी हमारे ऊपर थी और ये हमारे खिलाफ जा रहे हैं, तो इनसे कहो अब ये अपनी सिक्योरिटी रूस से करवाएं और हम अपनी फौजें वहां से निकाल दें। नहीं कहा ये अब अपनी सिक्योरिटी डिपेंड करें रूस पे और हमारी फौजें वापस आ जाए। ये तो मुझे 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 याद आता है डोनाल्ड ट्रंप ने एक से ज्यादा बार ये बात कही थी कि अगर हम दो हफ्ते भी सिक्योरिटी ना दें इन अरब हुक्मरानों को तो ये हुकूमतें गिर जाएंगी, इनको हमें ज्यादा पैसा देना चाहिए। तो ये ऐसी हालत में क्या, अच्छा आप रूस को बहुत नजदीक से जानते हैं चीजों को, क्या वाकई रूस इस हद तक आगे बढ़ेगा? अभी अभी ये वाकयात हो नहीं रहे लेकिन मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, क्या वो सऊदी अरब रूस की छत्र छाया में जा सकता है या क्या अमरीका वाकई इस हद तक सोच सकता है कि वो वहां से यहां यहां देखिए ये तो झगड़ा है, ये तो बॉक्सर्स हैं दो रिंग में, जहां जहां वो पीछे हटेंगे वहां वहां ये आगे बढ़ेंगे, वो भी वो कम नहीं है। अभी आप देखिएगा सेंट्रल एशिया में अभी कई जगह सिंचियांग में और यहां अमरीका वो मुसलमान इलाके जो है रूस के सेंट्रल एशिया में अभी आप देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो आप ईरान पे आए हैं तो आगे और होगा। वो अगर वो हेजेमॉन नहीं रहा अमेरिका और एक ग्लोबल यानी इक्वल मल्टीपोलर वर्ल्ड बनी जिसमें कि हिंदुस्तान की भी गुंजाइश है पोल बनने की, बहुत ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वन पोल मल्टीपोलर वर्ल्ड में जैसे जैसे जिस तरह से कि डायमंड कट कट तारा होता है कई पोल होते हैं उसमें हम भी हो सकते हैं, वो अगर हो जाए तो अमेरिकन का क्या होगा। लेकिन ये अगर हो जाए तो अमेरिका के पास दो चीजें हैं, सबसे बड़ी मिलिट्री कुवत है दुनिया में, उसके नंबर दो कहीं पीछे है और दुनिया में किसी की जेब में इतना पैसा नहीं। ये साहब वो अगर ये इंटरनेशनल बैंडिटरी पे आ जाए तो ये वहां वहां हंगामे करा सकते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। लेकिन अभी देखिए कि क्या होता है, अभी नवंबर का इलेक्शन जो है वो देखने के काबिल है, हो सकता है ये बराबर हो जाए। यानी अभी तक ये था कि ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अभी लेटेस्ट जो फीडबैक आ रहा है वो ये है कि वहां की औरतें डर गई हैं ये सुप्रीम कोर्ट से और ये अबॉर्शन वगैरह के सिलसिले में, क्योंकि वो वोट नहीं करती थी उन्होंने जाकर रजिस्टर करना शुरू किया। तो अभी वहां भी खेल जो है वो बदलेगा और जरूरी नहीं है कि बाइडेन साहब बिल्कुल इस इलेक्शन में दब जाए। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने एक बात जो बहुत ही अहम बताई वो ये कि सेंट्रल एशिया में भी बहुत कुछ हो सकता है, ये मामला ईरान में ही रुकने वाला नहीं है। अमेरिका अगर बैंडेटरी पर आ जाए, बैंडेटरी जो है वो इसे डाकू जिसे कह सकते हैं अब ट्रांसलेशन करके हिंदी या उर्दू में, अगर वो अपनी डकैती पर उतर ही जाए तो दुनिया में और बहुत तबाही कर सकता है, उसके पास बड़ी फौज है बहुत बड़ी ताकत है, ये बहरहाल दुनिया के लिए और दौलत है, दौलत है। दौलत के बारे में कुछ लोगों का कहना यह है कि वो 24 घंटे डॉलर छापता रहता है, शायद वो भी किसी दिन उसकी भी हवा निकलेगी। जब कोई मेहमान जाता है वॉशिंगटन तो वो ट्रेजरी जरूर दिखाते हैं वो डॉलर मुसलसल छपने की, वो खैर आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ सूरत हाल निकलती है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने हमें वक्त दिया और कई चीजें बहुत ही अहम आपने बताई हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।